आइए बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 21 करने वाले हैं, साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 भी करने वाले हैं, ठीक है। दोनों को रीड कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर लिखा है इन इस फिगर में एंगल पी इक्वल है 24, ठीक है। यहाँ पर Q इक्वल है 46 और S इक्वल है यहाँ पर 40, तो X की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। लिखा ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, ठीक है। ये ए सी है, ये ए और सी को बाइसेक्ट करता है। इफ ए बी 3 सेंटीमीटर तो ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। आइए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में हम सभी जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर आर, इसको पी आर क्यू नाम देंगे हम इसको, पी आर क्यू, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब P की वैल्यू है यहाँ पर 24 डिग्री, ये 46 डिग्री, और पी आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके फिर बाद में 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया बच्चों 50 और 70, इन दोनों को प्लस किया तो 70 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, और पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो वो आ गई यहाँ पर 70 प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 70 माइनस करते हैं तो 110 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो पी आर क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों 110, यहाँ पर ये आ गई 110 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये एक लाइन हो गई, तो यानी पी आर क्यू और पी पी आर एस, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर हो गए, ठीक है। ये एक एंगल इधर चला गया, एक इधर चला गया, वन लाइन पर बने। तो दोनों का सम 180 होता है, तो पी आर क्यू का तो 110 है, तो पी आर एस का वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं एंगल पी आर एस इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल आ गई 70 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल एक्स निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या ये ट्रायंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये यहाँ पर हो गया ना, ये एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के, इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्स। तो आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू इक्वल होगी यहाँ पर एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस, ठीक है। यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पी आर एस है 70 डिग्री और S है बच्चों 40 डिग्री, तो ये इक्वल आ गया 110 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22।
अब इसमें लिखा है कि एसी जो है ना एंगल ए और सी का बाईसेक्टर है, और साथ ही हमें फाइंड करना कि ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो ए डी क्या होगी। ये एक ही कंडीशन में आ सकता है, अगर ए बी सी ये ऊपर वाली ट्रायंगल हम कोंगुनेट प्रूव कर दे ए डी सी के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कोंगुनेट हो जाए तो वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, यहां पर देखो इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये बाइसेक्टर तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, या 3 इक्वल होगा 4 के, ठीक है, इस एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी इज ए बाइसेक्टर, ए सी इज ए बाइसेक्टर, ठीक है यहाँ पर, और साथ ही ए सी इक्वल है ए सी, ये कॉमन हो गई, ठीक है, ये कॉमन हो गई, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, क्या एंगल एंगल साइड, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल एंगल साइड, यानी एंगल साइड एंगल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्राइटेरियन, ठीक है, तो यहां पर ए बी जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल होगा ए डी के, ठीक है, सी पी सी टी, तो ए बी है अपनी 3 सेंटीमीटर तो ए डी भी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।